हाय गाइस, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज में जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम देखेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे भाई केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देन केमिकल चेंज से हम रिलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन को, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। समझने के बाद फिर अगर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। उसके बाद आएंगे हम रिएक्टिंग स्पीसीज पर। भाई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रिएक्टिंग स्पीसीज। तो रिएक्टिंग स्पीसीज छोटी सी बात है, उसको देखेंगे। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, विच इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बोल सकते हैं। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, किस लॉ पे बेस्ड है, हमें बैलेंसिंग क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें हम वन टू वन देखेंगे। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, विच इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन है गाइज, यहाँ पे जितने भी गाइज यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखे हैं, इन सबको मैं वन टू वन सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आपके लिए समझना भी आसान रहे, आपके लिए नोट्स बनाना आसान रहे, और आपको हर वीडियो में वो जरूरी पॉइंट्स बताऊंगा और वो सभी टॉपिक्स बताऊंगा जो एग्जामिनर एग्जाम पेपर में पूछता है। तो आपके लिए एक माइंड मैप क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आएंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड इन द एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतने प्रकार के हमारे पास रिएक्शन है, और हर रिएक्शन में क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, वन मार्कर क्वेश्चन, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में जो हम पढ़ते हैं वो है कोरोजन और रेंसिडिटी, और एक वर्ड आता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट समझेंगे। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इतने टॉपिक्स हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। पहला वाला जो पार्ट होगा गाइस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, वो थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि उसमें हम यहां तक बात करेंगे, एक ही वीडियो में इन तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो हमारा चैप्टर होता है उसको समझाने के लिए हमें एक वीडियो थोड़ी लेंथी बनानी पड़ती है, ताकि मैं आपको वो सभी की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकूं, समझा सकूं, जो हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ाने में है ना और समझने में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक कि हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।